वो स्कीम्स कौन सी हैं जहाँ से आपको संतुष्टि मिल रही है जिसके कारण आप ये इतना जीत प्रचंड बहुमत ला रहे हैं? लास्ट माइल डिलीवरी, ये मेरी सबसे बड़ी विशेषता है। हिंदुस्तान में सरकारों का कैरेक्टर क्या रहा, ये मीडिया के भरोसे जीते थे राजनेता, उनका दाना पानी सब मीडिया वाले देते थे। वो सुबह अखबार खोल करके देखते थे कि मेरा 6 सेंटीमीटर पड़ा है छपा है कि 16 सेंटीमीटर पड़ा है, पहले पेज पे है कि तीसरे पेज पे है, और फिर मीडिया वालों को फ़ोन करते यार देखो क्या हुआ। तो सारा खेल वही चला। मैंने इस पूरे चरित्र को बदला है, आज से नहीं गुजरात में सर तब से। मेरा कहना ये है कि भाई सरकार का काम फाइल पे साइन करना, फीते काटना, दिए जलाना, फोटा निकालना इतना नहीं है। सरकार का काम है जो चीज़ आपने तय की है तो उसको ऐसे तय करो ताकि कम से कम कमियां हो, कम से कम गलतियां हो जी। जो तय करो उसके लिए समय सीमा तय करो, रोड मैप तय करो। मैं इन चीज़ों में लगा रहता हूँ। भारत सरकार में बैठे हुए लोगों ने मेरे काम को देखा, यार ये तो अलग काम करता है, ये फीते काटता नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर। 50 करोड़ जनधन अकाउंट। फिर धीरे धीरे उनको समझ आया कि भी काम करना पड़ेगा। मैं खुद भी करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ। बिल्कुल। दूसरा, मैं दिल्ली से सरकार नहीं चलाता, मैं हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में जाकर के सरकार चलाता हूँ। बिल्कुल। और उसके कारण दूसरा, आपने देखा होगा मैं पिछले 10 साल से फ्राइडे सैटरडे संडे हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में जाता हूँ, टूर करता हूँ, और लोगों को मैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उनकी बारीकियों को जानने की समझने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ सरकारी व्यवस्था में एक आदमी के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है जी। दूसरा, जो लोग मुझे पूछते हैं मोदी जी इतनी मेहनत क्यों करते हो, बिल्कुल मुझे एक बहुत बड़े सीनियर लीडर ने कहा था जी, मोदी जी जिंदगी में प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात होती है, एक बार बन गए क्या पर लगे रहते हो। मैं किसी पद पर शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ जी। एब्सोल्युटली सर।